हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की लास्ट क्लास, और इस क्लास को कंप्लीट करते करते हम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, देखो बच्चों, अभी तक हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, की मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को गाइड करती हैं क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है, क्या बिहेवियर करना है। फिर हमने पढ़े थे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स होते हैं अगर आपको याद हो तो। रशिया यूज कोड, एक एक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। आर स्टैंड फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, यू स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, आर यू गया, एस स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एस स्टैंड फॉर स्केलर चेन, आई स्टैंड फॉर इनिशिएटिव, ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रशिया कंप्लीट हो गया। फिर आता है यूज्ड, यू स्टैंड फॉर आपका हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस स्टैंड फॉर हो गया सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई स्टैंड फॉर इक्विटी और डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, यूज्ड हो गया। फिर आता है कोड, सी स्टैंड फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, डी स्टैंड फॉर हमारा क्या हो जाता है डिविजन ऑफ वर्क, और ई स्टैंड फॉर क्या हो जाता है हमारा एस्पिरिटी कॉर्प्स हो गया। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चार प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा होता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कौन सा होता है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और चौथा कौन सा होता है हमारा बताओ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर हमने पढ़ा था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सात टेक्निक्स पढ़ी थी हमने। पहला मेथड स्टडी, दूसरा मोशन स्टडी, तीसरा टाइम स्टडी, चौथा फैटिक स्टडी, पांचवा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, छठा फंक्शनल फॉर्मेशन, और सातवा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। फिर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर हमने सात नेचर पढ़े थे। पहला कौन सा था हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा क्या था हमारा जर्नल गाइडलाइंस, तीसरा क्या था फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्थ क्या था हमारा फ्लेक्सिबल, पांचवा क्या था मेनली बिहेवियर, छठा क्या था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और सातवा क्या था हमारा कॉन्टिंजेंट। ये था हमारा लास्ट क्लास तक का अभी तक का टॉपिक जो हमने पढ़ रहा है। आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले वो है सिक्स टॉपिक, जो हमारा मेजर टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। और बच्चों सेवेंथ पॉइंट और एट्थ पॉइंट, ये डिफरेंस बिटवीन है, ये आप रीड कर लेना, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने लायक नहीं है। तो इसमें मैं टिक लगा रहा हूं कि ये जो टॉपिक नंबर सेवेंथ है और टॉपिक नंबर जो एट्थ है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सिक्स टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, चैप्टर को आज फिनिश करेंगे, और सेवेंथ और एट्थ आपका होमवर्क है। तो चलिए बच्चों सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आ गए बच्चों, क्या है ये सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, जरूरी, क्यों जरूरी है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे इसकी सारी हमारी इंपॉर्टेंस। पहली जो बच्चों इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अब ये क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए तो आपको पता है कि आपकी नॉलेज तो इंक्रीज हो गई है प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो इन फ्यूचर कभी आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम दिखती है तो आप बता सकते हो उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कि यहां पर ये चीज करनी चाहिए। लेट सपोज आपके पास टारगेट आता है कि आपको एक साल के अंदर 1,00,000 यूनिट्स बनाने, तो आप घबराओगे नहीं, आप क्या बोलोगे 1,00,000 यूनिट्स बनाने ना, ठीक है कोई दिक्कत बात नहीं बना लेंगे, ये बड़ा टारगेट हमारे पास, पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। तो फिर आप क्या करोगे, मंथली टारगेट्स बनाओगे, फिर आप उसके वीकली टारगेट्स बनाओगे, फिर आपको बोलोगे बताओ शूज बनाने में कितना टाइम लगता है, अगर हमको 1,00,000 यूनिट शूज बनानी है तो एक शू बनाने में क्या क्या काम लगता है, सोल बनाते हैं, अपर बनाते हैं, लेसेस लगाते हैं, पैकिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक काम के लिए हम स्पेशलिस्ट लोकली कराएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपकी नॉलेज इतनी इंक्रीज हो गई है कि आप सिचुएशन को इजिली समझ सकते हो, कौन सा प्रिंसिपल लगाना है वो अप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को इनसाइट प्रोवाइड करता है, इनसाइट का मतलब होता है कि अब आप दूर तक देख सकते हो, सिचुएशन को इजिली समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करके हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, रीड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू वर्ल्ड रियल सिचुएशन, ये तो हेडिंग को ही रिपीट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, अडेरेंस टू दीज प्रिंसिपल्स, मतलब अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है और आप सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ सकते हो, मतलब ये सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हो
और अपनी पुरानी मिस्टेक से समझ सकते हो, और जो पहली गलतियों से उन्हें प्रॉब्लम से सीखा, अब नई प्रॉब्लम्स जब आएंगी तो आप उसको इजीली और जल्दी सॉल्व कर लोगे, जल्दी सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कि प्रिंसिपल पढ़ के आप सिचुएशन को अब आराम से समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो आप पूरे 12th पढ़ चुके हो, ठीक है, लेट सपोज आप पूरी 12th पढ़ चुके हो, आपका बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया, तो अब आपके पास जब कोई नया बच्चा आएगा आपसे पूछने के लिए, भैया दीदी आप मेरे को बताओ 12th में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप उसको अच्छे से एडवाइस कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हो, आपके पास वो एक्सपीरियंस है। क्या बोलोगे, बेटा अकाउंट्स को हल्के में मत लेना, इकोनॉमिक्स को हल्के में मत लेना, बिजनेस स्टडीज में राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, तो क्या आप उस सिचुएशन को अच्छे से समझ गए हो? क्लियर? ओके, देखो उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या दे रखा है कि हाँ भाई हमने क्या पढ़ा था, ये डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन से हमने ये सीख लिया था कि जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं छोटे लोगों को दे दो और इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो होती है वो आप अपने पास रखो, मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया आपको? ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बच्चों हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप की रिसोर्सेज होती है। एक होती है हमारी मटेरियल रिसोर्स, मतलब चीजें, पैसे, मशीन, टूल्स वगैरह, और दूसरा होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, और दोनों ही हमारे पास लिमिटेड होते हैं। आप अनलिमिटेड तो होते नहीं है, और लेकिन हमारा एज अ मैनेजर काम क्या होता है कि इनका ऑप्टिमम यूज करना है। और ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या होता है कि भैया कम से कम खर्चे में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट इनमें से निकलवा पाए, यही हमारा काम होता है। एफिशिएंसी, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम करना। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं कि पहले जो इफेक्ट आए तो उसके पीछे कारण क्या थे, और वही सिचुएशन अगर हमको हब चाहिए तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। और ये प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा बढ़िया होते हैं कि आपको है ना वो तुक्के नहीं मारने पड़ते। आपके सामने काम आ गया है तो आप तुक्के नहीं मारोगे कि ये करके देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं, इससे ये काम करवा के देख लेते, उससे वो काम करवा के देख लेते, नहीं। अब आपको सारे प्रिंसिपल्स पता है, अब आपको पता है कि हाँ भाई इस सिचुएशन में हम ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो मतलब ये आप टाइम वेस्ट कम करोगे, आप रिसोर्सेज की वेस्टेज कम करोगे, ये चीज क्लियर हो गया। और इसके अलावा अब आप अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं लगा सकते हो, जैसे मैनेजर होता है, मान के चलो मैनेजर को कोई बंदा पसंद है जो उसके चापलूसी करता है, उसको वो करता है, ठीक है, प्रेज ज्यादा करता है, बटर करता है ना, बटरिंग करता है, मक्खन लगाता है जिसे हम कहते हैं। तो अब ये है कि मैनेजर अपने फायदे के लिए या किसी एक दो जनों के फायदे के लिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता अब, क्योंकि उसको पता है कि इस प्रिंसिपल के अंदर ये चीज अप्लाई होती है, तो वो अपना बाइजनेस, वो भेदभाव नहीं कर सकता। तो वही लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिमिट्स द बाउंड्री ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन सो दैट देयर डिसीजन आर फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसनेस। समझ में आ गया ना, अब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना ही पड़ेगा, आप अपने पर्सनल बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते हो, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, तो एग्जाम्पल के अंदर भी यही दे रखा है कि बजट बनाते समय मैनेजर को अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को ध्यान में ना रखते हुए किस पर ध्यान देना चाहिए, प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो प्रिंसिपल बोलता है उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। क्लियर? ओके, तो बच्चों अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंस पढ़ ली प्रिंसिपल की, पहला कि हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करता है, दूसरा ये मैनेजर को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। ओके, तीसरा डिसीजन से ही रिलेटेड है, दैट इज साइंटिफिक डिसीजन। बच्चों हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पढ़ा, उसके अंदर क्या था कि आपको रूल ऑफ थंब मतलब सजेशन एडवाइसेस के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, आपको साइंटिफिक डिसीजन के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये आपको साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करते हैं। कैसे, रीड करते समझ में आता है। पहले उन्होंने क्या बोला है, डिसीजन जो होने चाहिए वो फैक्ट्स पर, थॉटफुल फॉर और जस्टिफाइबल टर्म्स पर होने चाहिए, मतलब ये टाइमली हो पाए, रियलिस्टिक हो, मेजरमेंट हो, इवेल्युएशन हो, हर एक चीज को पर्टिकुलरली मेजर करें, इवेल्युएट करें, तब एक पर्टिकुलर डिसीजन ले कि हाँ आप अब ये करने चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं हमको एक अच्छे डिसीजन लेने में मदद करते हैं, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हो गया। इसके अलावा हमारी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है, हमारी मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिक स्टडी, ये हमको काम को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद बताती है कि आपको ये चीज करनी चाहिए। तो मतलब वी आर टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस, समझ में आ रहा, कैलकुलेशन के बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, कुछ ऐसे मन ग्रंथ या फिर सजेशन के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो लॉजिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अंधविश्वास पर कि मैनेजर ने जो बोल दिया वही होगा। नहीं, साइंटिफिकली बताओ क्या चीज होनी चाहिए। क्लियर? ओके। और इस वजह से हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बायसनेस से या फिर प्रेजुडिस से फ्री होते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ मैनेजर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में उनसे काम ज्यादा करवाते हैं, तो फैटिक स्टडी बोलेगा नहीं, काम ज्यादा नहीं करवाना, उनको प्रॉपर ब्रेक देने हैं। तो ब्रेक देना उनकी मजबूरी बन जाएगी ही, ठीक है? तो किसी भी सिचुएशन के प्रॉपर असेसमेंट के बाद, प्रॉपर ध्यान देने के बाद ही डिसीजन बनाया जाता है। क्लियर हो गया आपको साइंटिफिक डिसीजन? ओके। फोर्थ क्या हमारा? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? देखो भैया, आजकल की जो जनता है, आजकल की हमारी जो पब्लिक है, वो सब जानती है, मतलब वो इतनी ज्यादा अवेयर है, जो हमारे कंपनीज हैं अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो वो तुरंत पकड़ लेगी। और इतनी अवेयरनेस है कि अब जो कंपनीज हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती हैं, तो उनको अब प्रिंसिपल फॉलो करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि तौर पर इक्विटी, हमारा एक प्रिंसिपल आता है, आपको याद हो इक्विटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? कि आपको मैनेजमेंट की नजर में सारे एम्प्लॉयज एक बराबर होने चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे कास्ट के बेसिस पर हो, ठीक है ना? कोई आलस फैला रहा तो उस पर डांट भी पड़नी चाहिए और उसको सैलरी भी कट होनी चाहिए, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है हर एक बंदा हमारी नजर में इक्वल है। तो मतलब यही चीज करके आपको सोसाइटी के अंदर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इक्विटी का मतलब अब सिर्फ वो नहीं रह गया कि आपको लोगों के प्रति ध्यान रखना है, आपको एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स का, बिजनेस एसोसिएट का भी ध्यान रखना है, आपको उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है ना? सिर्फ वेजेस देना या डिस्क्रिमिनेशन करना है इक्विटी नहीं है, आपको बाकी सबका भी ध्यान रखना है, बराबर ध्यान रखना है। तो अब जो प्रिंसिपल्स हैं इनके अपने नए नए मीनिंग्स भी आ गए हैं, पुराने मीनिंग्स तो थे ही, ट्रेडिशनल मीनिंग्स तो थे ही, अब न्यू मीनिंग्स भी आ गए हैं। आपको ये चीज ये भी करनी पड़ेगी, मतलब ये कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अब आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में भी मदद करते हैं। इक्विटी भी, इक्विटी क्या है समझ में आ रहा है ना चीज़? एस्पिरेटिव कॉपी है, सबको मिलकर आगे लेके चलो, खुद तो सक्सेसफुल हो, आगे भी लोगों को सक्सेसफुल होके ले चलो। क्लियर हो गया? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, इसका मतलब क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसका मतलब क्या है कि आप अच्छी सैलरी दो जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो पाए। तो ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाना है। क्लियर हो गया? ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या है जरा पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसकी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि उनको एज इट इज फॉलो नहीं करना पड़ता, जैसा उसमें लिखा गया आप सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसा करने से, सिचुएशन के हिसाब से बदलने से, जो हम अपनी एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो दीज प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस, बट दे आर मॉडिफाइड एंड हेल्प मैनेजर टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल टू एडॉप्ट डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, या जो भी वर्क कल्चर चेंज हो रहा है, इन प्रिंसिपल्स की मदद से हम उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? देखो उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, वो और रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर एक्सपर्ट लोगों से उसको काम करवाओ। लेकिन अब ये सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज तक ही सीमित नहीं रह गया है, ये आगे भी बढ़ गया है। जैसे कि आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, सिर्फ काम का नहीं, क्वालिटीज का भी, मैनेजमेंट का भी। कोई लोगों को मैनेज अच्छे से कर सकता है तो उसका स्पेशलिस्ट मैनेजर, लोग कोई फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकता है तो उसका फाइनेंस मैनेजर, ठीक है ना? कोई मार्केटिंग को अच्छे से मैनेज कर सकता है तो मार्केटिंग मैनेजर। हर उन एक्टिविटीज का, प्रोसेस का भी आप स्पेशलिस्ट लेकर आओगे। तो मतलब ये कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हो। क्लियर? ओके। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, दैट इज मैनेजमेंट रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में भी मदद करता है। इस प्रिंसिपल की मदद से हम अपने मैनेजमेंट को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हैं, आई रिपीट, उनको हम एजुकेट कर सकते हैं और उनके लिए रिसर्च करने में भी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना?
उनको मैनेजमेंट समझाने के लिए, ठीक है ना, ये ग्राउंड वर्क का काम करते हैं, बेस का काम करते हैं कि ये प्रिंसिपल समझाओ जिससे हम आगे काम कर सके। जैसे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है बीबीए में एमबीए में, तो वहां क्या कराया जाता है, वहां पे आपको सब हर एक तरीके का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाया जाता है आपको, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाया जाता है आपको, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ये क्यों सिखाया जा रहा है, जिससे आगे चल के आपको पहले तो अभी पढ़ाया जा सके, आपकी ट्रेनिंग कराई जा सके, आपको एजुकेट किया जा सके, जिससे इन फ्यूचर जाके अपने बिजनेस को आप संभाल पाओ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लोगों को ट्रेन करने में, एजुकेट करने में और रिसर्च करने में मदद करते हैं। आई होप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, एक एक करके फिर से रिवाइज करते हैं, उल्टा ही रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, ट्रेन करने में, एजुकेट करने में, रिसर्च करने में मदद करता है, इसका एग्जांपल क्या हमारे बीबीए एमबीए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, बदलते एनवायरमेंट की चेंजेस को हम अडॉप्ट करने में भी हमको मदद करता है, क्योंकि प्रिंसिपल मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक डिसीजंस के ऊपर हमको बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि हर एक चीज के पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, प्रॉपर मेजरमेंट होता है, तो जो डिसीजन होता है वो लॉजिक पर बेस्ड होता है, फेथ पर बेस्ड नहीं होता है। हमने और क्या देखा था, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टैंडर्ड विल मेंटेन हो जाएगा, इक्विटी सिर्फ वेजेस और डिस्क्रिमिनेशन तक नहीं, आपको एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। एस्पिरिट डी कॉर्प टीम भावना लेके चलो, सबको आगे लेके चलो। फिर हमने पढ़ा था ये वाला प्रिंसिपल, सेकंड वाला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस के अंदर हमारी दो रिसोर्सेज होती है, ह्यूमन रिसोर्स होती है, मटेरियल रिसोर्स होती है, इन दोनों को प्रॉपर मैनेज करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन करते समय हमको मैनेजर्स को प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, ना कि उसकी पर्सनल बायसनेस को, कि वो अपना कुछ अपने मन से भेदभाव करते काम कर रहा है, ऐसा नहीं, उसको प्रिंसिपल को फॉलो ही करना पड़ेगा। लास्ट का देखा था हमने, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, मतलब ये आप सिचुएशन को आराम से समझ पाते हो, प्रिंसिपल की मदद से आपकी नॉलेज इतनी एनहेंस हो गई, आप सिचुएशन को इजीली समझ सकते हो, कौन सा प्रिंसिपल लगाना चाहिए वो आप लगाते हो, सिचुएशन को सॉल्व कर देते हो। क्लियर हो गया आपको पॉइंट अच्छे से, ओके। तो ये था बच्चों हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ये दो टॉपिक हैं, पहला फेयोल वर्सेस टेलर अ कंपैरिजन, मतलब हमारे हमने दो लोगों के प्रिंसिपल पढ़े, पहला हमने पढ़ा किसका, हेनरी फेयोल का, दूसरा हमने पढ़ा एफ डब्ल्यू टेलर का। तो ये प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन है, ये आप अच्छे से कर लेना, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है, रीड कर लेना काम हो जाएगा। ध्यान रखना, रीड कर लेना ध्यान से, एग्जाम में ये भी 6 नंबर का एज इट इज पूछा जा सकता है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, किसी में पूछा जा सकता है। मैं पढ़वा नहीं रहा हूँ क्योंकि इजी है रीड करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है, ओके। इसके अलावा आगे देखते हैं, एक डिफरेंस और है हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच का डिफरेंस। बच्चों ये भी कर लेना, ये तो 3 नंबर में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ओके। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम अपना आज फाइनली चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी खत्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके रखना, केस स्टडी सॉल्व करके रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।